जय राधा माधव कुंज बिहारी Bye.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्गजातं सहगणान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाकान्तिकाञ्च नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरविषये नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्कृते तत्कांचन गौरांगी कामेन्द्रेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय अनाकल्प करुणेश उपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए, स्पेसिफिकली मैंने ठाकुर प्रभु और प्रभु और ये सौभाग्य है। मुझे बहुत आनंद होता है कि जब भी इस विशाल नगर के कॉन्ग्रीगेशन में आता हूँ। मुझे पहले लगा विठल मंदिर में मुझे जाना है, लेकिन एक डेढ़ साल के बाद शायद यहाँ आया हूँ, लेकिन इतनी बड़ी प्रगति देखकर बहुत आनंद हो गया। स्पेसिफिकली गौरलीला प्रभु कन्हैया ठाकुर प्रभु और आप सभी का ये सेवा का फल है कि ये सेंटर एक बहुत ही उत्साह के साथ और शक्ति के साथ बढ़ रहा है और कृष्ण भावना का प्रचार इस बार विभाग में कर रहा है। तो सबसे पहले आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके मैं अपना तुकाराम महाराज जी के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबको पता है कि हमारे भारत में तीन ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, अन्न ब्रह्म और कांचन ब्रह्म। तो कांचन ब्रह्म तो हमें पता है कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है, अन्न ब्रह्म जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी है और पंढरपुर जो है वो नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म तो क्या है कि जहां नाद चलते रहता है, कंटिन्यूस भगवान के कीर्तन का नाद चलते रहता है। तो भजन के लिए प्रसिद्ध है, जब भी जाओगे आपको देखना है आषाढ़ी एकादशी के दिन या कार्तिक एकादशी के दिन जब अपने पंढरपुर के इस्कॉन मंदिर में खड़े रहते तो वो नाद ब्रह्म आप रियलाइज कर पाओगे कि पूरा पूरा भीमा थड़ी जो है, भीम का जो पूरा किनारा है भीमा नदी का, वो पूरे उसमें वैष्णव है और कंटिन्यूज आपको जगह जगह से भजन कीर्तन की सुनने के लिए आते हैं। तो इसलिए वो पंढरपुर जो है वो नाद ब्रह्म है, जगन्नाथपुरी अन्न ब्रह्म है और बालाजी कांचन ब्रह्म है। कांचन मतलब सोना, भगवान वहाँ भगवान को वहाँ सोना अर्पण किया जाता है, लक्ष्मी अर्पण किया जाता है, पैसे अर्पण किए जाते हैं और जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। तो इस नाद ब्रह्म जो पंढरपुर है उसके भक्त थे हमारे संत तुकाराम महाराज। अभी ऐतिहासिक दृष्टि से देखा गया तो उनका जन्म 1608 में हुआ और इस भूतल के ऊपर उन्होंने सिर्फ 42 ईयर्स वो इधर थे। 1650 में वो भगवत धाम चले गए। अब सोच सकते हैं कि कितनी छोटी सी उम्र है 42। कई सारे हमारे यहाँ में से 42 क्रॉस करके बैठे हैं।
लेकिन 42 उम्र, सिर्फ 42 उम्र है। आज मुझे पता है कि मैं कविता करने की चेष्टा करता हूँ भगवान के ऊपर, मेरा आज साल करीब करीब 51 है, तो 50 साल में मैं 85 कविता लिख पाया हूँ। तुकाराम महाराज 42 ईयर्स में 4500 कविता लिखे है। तो मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के भक्त थे। और जानकार तो ऐसे कहते हैं कि अवेलेबल अभी ये 4500 भी हमारे लिए क्यों मिले, हम क्यों देख पाए, क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी भगवान के भाव में रत हो जाता है, भगवान से जब प्रेम करने लगता है ना, हम सबको पता है कि किस प्रकार भगवान को जानना मतलब धर्म है, लेकिन भगवान को प्रेम करना मतलब अध्यात्म है, और अध्यात्म मतलब भक्ति है, मतलब भक्ति का ही, भक्ति ही वो मार्ग है अध्यात्म, अध्यात्मता मतलब। तो भक्ति में क्या होता है कि सर्वोच्च स्तर भक्ति का क्या है, हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया है। तो सबसे बेस्ट चीज हमें चैतन्य महाप्रभु ने जी है, जो कोई अवतार ने नहीं दिया है, वो है माधुर्य भाव में प्रेमा भक्ति कैसे करने का। बाकी के लोगों ने दास्य भाव में सिखाया है, वात्सल्य भाव में सिखाया है, वल्लभाचार्य हवेली समझते हैं राजस्थान में, वल्लभाचार्य संप्रदाय, जहाँ बालकृष्ण के रूप में वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। पंडरपुर के लोग दास्य भाव में, साख्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन ये माधुर्य भाव जो है ना, कि भगवान से प्रेम करना, वो भी गोपियों के मोड में, वो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नमो प्रणीति में रूप गोस्वामी ने लिखा है कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले है। अभी जब प्रेम की बात आती है ना, तो तीन चीजें आती है कि गाना, नाचना और खाना। प्रेम तो यही तो बांटते हैं, प्रेम कैसे बांटते हैं, ऐसे तो बांटते हैं प्रेम। आपने कभी देखा है कि किसी का घर में विवाह है या मैरिज फंक्शन है, शादी है हमारे घर के किसी रिलेटिव की, और हमने जाके देखा कि चलो शादी के लिए जाने, तो देखे कि सब लोग फटे धोती कुर्ता पहनकर या फटे कपड़े हुए पहन के सब लोग बैठे ध्यान कर रहे हैं कि क्या कुछ नहीं आज शादी है, ऐसा कभी देखा है आपने? और अभी बाकी खाने पीने का नहीं, आज फास्टिंग है, शादी है, शाम को शाम तक सूर्यास्त तक फास्टिंग है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली शादी मतलब लोग बोलते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को खाना क्या खाते रहते हैं, स्टार्टर का वेलकम ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या सूप, ये वो सब कुछ चलते रहता है, तो और नाचते रहते हैं, उसको तो घोड़े पे बिठा के बाकी सब नाचते हैं, क्यों नाचते वो बात अलग है कि तू भी फंस गया हमारे जैसा। तो वो नाचते रहते हैं, बाद में आजकल वो भी निकला है संगीत, एक दिन पहले सब मिलकर नाचने का अलग अलग पिक्चर के गाने के ऊपर। तो भौतिक दुनिया में नाचना का आनंद लेते, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया का ये प्रतिबिंब है ना, तो वही करते हैं लोग, हम सिर्फ अलग चीजें में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो नाचना गाना और खाना, तो तुकाराम जी के बारे में क्या हो गया था कि ऐसे बोलते हैं कि वो हर एक शब्द उनके मुंह से निकलता था, वो गाना निकलता था, भगवान के प्रति प्रेम के गीत उनके हृदय से निकलता था। अभी संताजी जगदाड़े करके एक तेली था, तेली समाज का, अभी हमारी कास्ट सिस्टम जो थी कि तेली, नाभी, सुतार, चमार, मराठा, ब्राह्मण, ये सब थे, वो अपने कार्य के हिसाब से उनका वो सिक्का पड़ा था कि कोई अपना सुतार काम कारपेंटरी करता था तो सुतार बोला जाता था, गौंडी काम कंस्ट्रक्शन करता तो गौंडी बोला जाता था। लेकिन दैट डजंट मीन कि हमारे में प्रेम नहीं था, हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं थे, ऐसा नहीं था। कुछ थोड़े पर केसेस होते थे, इसके वजह से अननेसेसरी हमारे ऊपर ऐसा ब्लेम लगाया गया, गलत, वो अलग सब्जेक्ट है। तो लेकिन ये तेली जो है वो तुकाराम महाराज जी के साथ कंटिन्यू रहता था, और जो बोलते थे वो लिखता था, जो बोलता था वो लिखता था। अभी वो 24 आवर थोड़ा रहता था, वो तो बेचारा जितना एसोसिएशन मिला उतना रहता था और उनके साथ लिखता था। अभी जितना एसोसिएशन नहीं मिला उसका क्या, वो तो थोड़े लिखते बैठते थे कि आपने कविता है करके, वो जैसे स्पॉन्टेनियसली मुंह से आता था बोलते थे। कभी भगवान से प्रेम करते थे, कभी गुस्सा करते थे, कभी उनका सुंदर वर्णन करते थे। और जब मैं उनके अभंग पढ़ता हूँ, तुकाराम महाराज जी का जब मैंने ड्रामा लिखा था, तब उसके लिए करीब करीब 2-2.5 साल मैंने स्टडी किया था, तो उसे पता चला कि यह ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने भाव ऐसे ही प्रकट किए हैं, इनके पीछे तो पूरी छवि दिखती है कि भागवतम का वो रिफ्लेक्शन दिखता है, गीता के श्लोक दिखते हैं, गीता भागवत रामायण के कई सारे श्लोक का भाषांतर भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही लिखा है, जैसे हमें बोला जाता है ना कि तीन चीजें महत्वपूर्ण बनती है, शास्त्र, साधना और सेवा। अध्यात्म या भक्ति में क्या होता है, शास्त्र, साधना और सेवा, वो तीनों का रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं कि तुकाराम महाराज ऐसे अकेले जाके अपना भीमजी गली बैठे कहां तो भी,
एक पेड़ के नीचे और शुरू किया गाना, ऐसा लिख ही नहीं सकते हो आप, इतने सुंदर अभंग विदाउट शास्त्र लिख ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब यह है, तुकाराम जी ने गीता पढ़ी है, तुकाराम जी ने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है, इसलिए तो लिखा है ना, गीता भागवत करीति पठन अखंड चिंतन विठोबा से। गीता भागवत पढ़ी है, विठोबा का चिंतन करिए, देखिए कितना सुंदर लिखा है। ऐसे कहा जाता है ना कि श्रील प्रभुपाद जी को एक बार बोला था कि प्रभुपाद भक्ति करने के बाद भी दुख क्यों आता है, तो प्रभुपाद भक्ति का मतलब थोड़ा मांगना कि सुख मांगना थोड़ा है ना, भक्ति का मतलब देना है, लेना नहीं है, कुछ देना चाहता है। भगवान से प्रेम का मतलब क्या, भगवान भूखे इसलिए हम दूध दिखाते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान को स्वेट, ठंडी में तो स्वेटर भी पहनते हैं भगवान को हम, कि भगवान को ठंडी लगती होगी हमारे, अभी गर्मी आ गया तो भगवान के लिए हम फैन लगाते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज प्रेम से कई सारी चीजें तुकाराम महाराज बोलते हैं, मांगते भी क्या मांगते हैं, हे सदान देगा देवा तुझा विसर न वावा, हे विठ्ठला मुझे आपको देना है तो एक ही चीज देना, तुझा विसर न वावा, तुझा तुझे भूलना नहीं है मुझे, न लगे मुक्ति संपदा संत संग देई सदा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। हमें पता है कि हम भी मुक्ति नहीं चाहते हैं, कोई भी भक्त मुक्ति नहीं चाहता है ना, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, ऐसे अलग अलग मुक्ति, सायुज्य का तो हम नाम ही नहीं लेते क्योंकि सायुज्य मतलब समा जाना, वो हिंदी फिल्म में चलता है कि तू मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाओ, कोई समा जाता नहीं है, आपको पता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आध्यात्म में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अब भौतिक में भी नहीं चलता है, ऐसे गाने रहते हैं वो, यानी कई सारे लोग देते हैं कि बीवी एडमिट हॉस्पिटल में देखी है और ये दूसरा शादी की तैयारी कर रहा है, कहाँ समा जाओगे, तो ऐसा प्रेम है ना इस भौतिक दुनिया का, ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी है वो काम वासना का संबंध है। तो यहाँ तुकाराम महाराज जी जो है वो बोलते, न लगे मुक्ति संपदा संत संग देई सदा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, संपदा मतलब न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु कीतवी, न लगे मुक्ति संपदा संत संग देई सदा, संत को असंग दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान भक्तों के संग में मिलते हैं, भक्तों के साथ मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, तो इसलिए तुकाराम जी कहते हैं कि संत संग देई सदा। तुकामणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी, तुकामणे गर्भवासी, अभी हम बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरावादि से मुक्त होना है, और ऐसा भी अध्यात्म का मतलब वही है कि जन्म मृत्यु जरावादि चक्र से बाहर निकलकर ऊपर भगवान के पास जाना है, आध्यात्मिक लोक में जाना है, लेकिन यहां तुकाराम महाराज अलग बात बोल रहे हैं, तुकामणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी, सुखात देवा बिंदास गाल, सुखात मुझे बिंदास गाल, आपको जो करना है करो, डालो मुझे माँ के गर्भ में, क्यों, हिच दान देगा देवा तुझा विसरण भावा, संत संग देई सदा, संत संग देने के लेने के लिए मुझे बार बार भी जन्म लिया तो भी चलेगा, लेकिन संत संग दीजिए, नहीं चाहिए मुक्ति, नहीं चाहिए संपदा, गर्भवास चाहिए, संत संग मिलता है तो, गर्भवास 9 महीने का माँ के गर्भ में है ना, मल मूत्र में सोने के लिए तुकाराम महाराज तैयार है, संत संग दे सदा, ये तुकाराम महाराज है, बहुत सुंदर है, मतलब इनके एक एक अभंग में वो चीज बाहर निकलता है। मैं पर्पसफुली क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं ले रहा हूं, जो भी मुझे मन में आ रहा है वो ले रहा हूं, क्योंकि कई सारी चीजें 45 मिनट्स में तुकाराम महाराज बोलू भी कैसे बोलू। तो उनके जीवन के महत्वपूर्ण 2-4 चीजें है, अब हम देखते हैं कि आर्थ जिज्ञासु है ना, अर्थार्थी ज्ञानी, इस प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, वो हमने पढ़ा भी होगा अलग अलग कोर्सेस में। तो तुकाराम महाराज जी के जीवन में हम जब देखते हैं तब ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कितना दुख आना चाहिए। एक्चुअली बचपन तो बहुत अमीरी में, बहुत सुख विलास में उन्होंने जीवन बिताया था, क्या घर में महाजन की थी, मतलब महाजन मतलब साहूकारी थी, लोगों को लोन देते थे उनके पिताजी, किराना माल का दुकान था, खेतीबाड़ी थी, बड़ा घर था, अच्छे घर से ये हुए थे, मराठा थे, मोरे सरनेम था, तुकाराम मोरे, और भाई था बड़ा सावजी करके, छोटा एक भाई था है ना, कानो कहना करके, कानोबा, माँ का नाम कनकाई, पिताजी का नाम बोलोबा, देहू में रहते थे, अच्छी फैमिली, अच्छी खासी फैमिली, लेकिन क्या हो गया कि जब ये 7 साल के थे तब इतने दुख आने कि उनका विवाह किया गया, 12 साल के थे तब,
बाद में उनकी पत्नी वो मर गई, उनका जो सावजी नाम का बेटा था वो एक पहला बेटा था संताजी वो चला गया, दूसरी शादी करना पड़ा, वो पत्नी जरा थोड़ी झगड़ालू थी, प्रेम करती थी लेकिन उसके अलग अपने ये थे, तरीका था हैंडल करने का, जैसे प्रभुपाद जी की पत्नी उनको हैंडल करती थी। तो इस प्रकार उनको था, माँ गई, पिताजी गए, बड़ा भाई निकल गया घर से बाहर, उसकी बीवी गुजर गई। तो इनका साहूकारी का तरीका अलग था तुकाराम महाराज जी का, कि लोग नॉर्मली पीछे पड़ते हैं कि मेरा इंटरेस्ट दो, तुकाराम महाराज आने वालों को इंटरेस्ट भी छोड़ते थे और ये भी पैसा भी छोड़ते थे। तो पूरा घर नीचे निकल गया, मतलब पूरा दुख 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 और सिर्फ दुख उनके जीवन में था। और ऐसे कहा जाता है कि ज्यादा दुख आने से लोग गम में तो रम पी लेते हैं, है ना, बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुकाराम महाराज जी ऐसे नहीं थे। तुकाराम महाराज हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं जिनको जीवन के बारे में कुछ समझना है, तो ऐसे भक्त जो है आर्त भक्त भी भगवान के पास आते हैं, अर्थार्थी भी भगवान के पास आते हैं, जिज्ञासु भी आते हैं, ज्ञानी भी आते हैं। तुकाराम महाराज जब स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये दुख की वजह से भगवान के तरफ उन्होंने मुंह मोड़ लिया क्या, तो भगवान के परत आने लगे। इतना सब दुख है लेकिन वो बिजी किस में थे, वो देहू का मंदिर उनके पहले आठवें पूर्वज विश्वंबर बुआ ने बांधा था और वो काफी गिर गया था, उसको काफी मोड़ तोड़ हुई थी। तो तुकाराम महाराज जी ने हर एक घर में जाके हर एक जगह 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 ईंट लिया, मिट्टी लिया, ये लिया और कंस्ट्रक्शन करने में बिजी थे। जिसके घर में अपने माँ पिताजी गुजर गए, अपना भाई निकल गया है, जिसकी भाभी मर गई है, जिसकी बीवी मर गई है, जिसका बेटा मर गया है, जिसका धंधा चल बसा है, वो बिजी है कंस्ट्रक्शन, मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने में। तो कितना प्रेम है, देखिए कितना प्रेम भावना है। और ये सब छोड़ के बात कर रहे हैं, सुंदरते ध्यान उभे बैठे वरी करकटावरी ठेवनिया तुलसी हर गळा कासे पीतांबर, है ना, ऐसे लिख रहे हैं कि तुका मणे माझे हेची सर्व सुख आवडे श्रीमुख पाहिन श्रीमुख आवडीने, तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, तुका मारा महाराज बोल रहे कि यही मेरा सुख है, पाहिन श्रीमुख आवडीने, भगवान तेरा मुख मैं श्रीमुख देखने में मुझे आनंद मिलता है, बहुत आनंद से देखूंगा मैं, इसमें मुझे सुख मिलता है। देखिए सुख भी ढूंढा भगवान के, कितने रूप लीला गुण नाम में उन्होंने अपना सुख ढूंढा भगवान का। एक आइडियल एग्जांपल है तुकाराम महाराज, ग्रस्त होने के बावजूद भी इतनी परेशाना किसी के भी लाइफ में नहीं आ सकती है। हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है जीवन में समस्या, हर एक का अपनी एक समस्या है, किसी के माँ पिताजी बीमार है, किसी के सास ससुर बीमार है, किसी के जॉब में प्रेशर है, किसी के पर्सनल बच्चों की कुछ दिक्कतें है, किसी में और कुछ सेहत की दिक्कतें है, आर्थिक समस्या है, तो इसमें हमें कोलैप्स नहीं होना है, ये तो जीवन का स्वरूप है, ये तो पैकेज है यहाँ, पानी में खड़े रहेंगे तो गीला होना ही है ना, तो भौतिक भव सागर में आओगे तो दुख मिलना ही है, उसमें क्या है। तो उसमें बाहर निकलने के लिए नाम रूप गुण लीला पहिन श्रीमुख वड़ी ने, है ना, नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़ती लपापे जन्मांतरी ची न लागे साया स जावे वनांतरी सुखे येता घरी नारायण। तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तन साधन पैसों पे, नाम संकीर्तन साधन पैसों पे, सिंपल तरीका है नाम संकीर्तन साधन पैसों पे, बहुत सिंपल तरीका है, किसके लिए, न लगे सायास जावे बनांतरी, सायास मतलब प्रयास, एफर्ट्स शुड नॉट, मतलब यू नॉट टू वरी अबाउट, मतलब यू नॉट टू पुट सो मेनी एफर्ट्स, जावे वनांतरी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, सुखे था घरी नारायण, भगवान का नाम लेने से घर में आराम से भगवान आ जाते हैं, कुछ भी उनको लगता नहीं है, ना कलयुग में ना उनको जंगल में जाने के लिए ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, ना कोई ध्यान धारणा, ना उल्टा लटकना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, यज्ञ दान तपस्या कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल बताया कि नाम संकीर्तन साधन पैसों पे, चैतन्य महाप्रभु की मोमेंट उन्होंने आगे लिया ऐसा लगता है। उनके जीवन की और एक महत्वपूर्ण घटना वो है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना, छत्रपति शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज के उम्र में 20 साल का फर्क था, ये दोनों एक दूसरे से मिले वो लोगाव में मिले, क्योंकि लोगाव तुकाराम महाराज जी के दूसरे पत्नी का गांव भी था, जिसका नाम कनकावी, कनकाई जी थी, कनकाई थी वो गुड़वे की थी पूना की, उसका वो उनका मैका था जहां एयरपोर्ट है अभी लोगाव में, तो उस मंदिर में शायद तुकाराम महाराज भी फ्लाइट से गए ना भगवान के धाम में, तो एयरपोर्ट से उधर हुआ होगा तो लोगाव के विठ्ठल मंदिर में तुकाराम महाराज वहां थे और शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज जी की भेंट तब हुई जब
तुकाराम महाराज करीब करीब 40 साल के थे, मतलब आप बोल रहे सकते हैं 1648। शिवाजी महाराज 20 साल के थे, शिवाजी महाराज 1627 में जन्म हुआ है, तो करीब करीब 20-21 साल के थे। अभी इसके पहले शिवाजी महाराज ने ये मिलने के पहले, ये उनका जब मीटिंग होने के पहले, ये भेंट होने के पहले, शिवाजी महाराज जी के लिए शिवाजी महाराज जी ने तुकाराम महाराज जी को कई सारे सोने के तबक में, कई सारे जड़ जवाहिर, बहुत सुंदर ऊंचे कपड़े, धन धान्य की गाड़ियां भेजी थी और उनको आमंत्रित किया था कि मेरे घर आइए। तो तुकाराम महाराज जी ने बहुत नम्रता से और बहुत जिसको बोल सकते हैं कि बहुत नम्रता से उसको वापस भेज दिया। बीवी तो बहुत खुश हुई थी, अच्छा हो गया, मिल गया सब कुछ, लेकिन ये बोले क्या करने का है उसको, कनक कांचन मूर्ति के समान, स्त्री और सोना मुझे मिट्टी के समान है, क्यों ले लूं, छोड़ देना, काहे के लिए लेना है, वापिस भेज दिया। अभी ये जब वापिस भेजा तो शिवाजी महाराज के लिए तो सरप्राइज लगा, क्योंकि यहाँ तो बाकी के लोग तो इंतजार करते थे कि कभी हम बुलाएंगे, है ना, कभी हमको आमंत्रण आएगा कि राजदरबार में राज्यपाल को मिलने के लिए, लेकिन यहाँ तो उन्होंने प्रेम से वापिस भेज दिया कि नहीं चाहिए मुझे। तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई शिवाजी महाराज की, ये किस प्रकार का आदमी है कि सब कुछ भेज दिया। तो शिवाजी महाराज जब मिलने के लिए गए और उनको दंडवत प्रणाम किया, तब शिवाजी महाराज बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने सब कुछ वापिस भेज दिया, आपने क्यों स्वीकार नहीं किया। तो ये बोले कि निद्रेसी पाषाण वर्ती अवकाशाचे आवरण, मैं तो एक हरिभक्त हूं, मुझे सोने के लिए पत्थर और ओढ़ने के लिए आसमान के आकाश की चद्दर इनफ है। रायाची ये घरी भाग्यवंता मान, इतरा सन्मान नहीं ते थे। राजा रायाची ये घरी, राजा के घर में भाग्यवंता मान, सिर्फ भाग्यवंता लोगों के लिए ही जगह है, इतरा सन्मान नहीं ते थे। मैं तो इतर छोटा आदमी हूं, मेरे को कह के लिए सम्मान कर रहे हो, कोई भाग्यवान लोगों को लेके आओ वहां। कितनी नम्रता है, इतना बड़ा व्यक्ति भगवान का भक्त खुद को क्या बोल रहा है, रायाची है गरीब भाग्यवान, जो भाग्यवान है उसके घर में वही आपके घर में आना चाहिए, मैं तो अभागी हूं, काहे के लिए आपके घर में आऊं। तो शिवाजी महाराज रो पड़े, इनका वो इतना प्रेम और उनका ये भक्ति का इतना ऊंचा स्तर, इतनी विनम्रता, इतने शालीनता, सम्मान रहित, जो हम बोलते हैं कि तृणादपि सुनिचेण तरुरपि सेषण अमानी न मान देना, सम्मान नहीं चाहिए, उससे हाथ जोड़ के खड़े थे। तब बहनों उन्होंने बहुत आग्रह किया कि कुछ तो मांगो ना, तब उन्होंने चीज मांगी है, क्या मांगी मालूम है, कंठी मिरवा तुलसी व्रत करा एकादशी तेने अमी सुखी मना विठल विठल मुखी। क्या मांगे, शिवाजी महाराज को बोले कंठी मिरवा तुलसी, गले में तुलसी की माला पहनाओ, व्रत करा एकादशी, एकादशी का व्रत करिए, तिन्हे अमी सुखी मना विठल विठल मुखी, उससे हम सुखी हो जाएंगे, आप विठल विठल मुख से बोलोगे, तब बस देना है तो यही देना। कितनी बड़ी चीज मांगी है, देखिए एक साधु भी क्या मांगता है। इसलिए तो हमारे भारतीय संस्कृति ने राजा को भी महाराज कहा और साधु संतों को भी महाराज कहा, क्योंकि राजा सीमा का रक्षण करता है, साधु संत संस्कृति का रक्षण करते हैं, दोनों भी महाराज, तुकाराम भी महाराज और छत्रपति शिवाजी भी महाराज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है उनके जीवन में। अभी एक तीसरा प्रसंग उनके जीवन में आता है, वो है गाठा डुबाने का, कि उन्होंने इतने अभंग लिखे और उस समय उनके अभंग प्रैक्टिकली हर एक घर घर में गए, हर एक घर घर में उसका यह हो गया। अभी चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, हम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के वजह से यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा और किसी को बांटी जाती है, जैसे हमारे कन्हैया ठाकुर प्रभु यहाँ है, गौर लीला प्रभु है, तो उनको लेक्चर सुनते हुए एक प्रेरणा मिलती है और उनसे प्रेरणा लेकर हम चैंटिंग करना लगते हैं, हम भक्ति में प्रगति करना शुरू होते हैं, तो उसको लब्ध चैतन्य बोला जाता है। उस प्रकार के जो भक्त है उनको लब्ध चैतन्य बोला जाता है, कि जो भक्त को चैतन्य महाप्रभु ने कृपा प्रदान किया है वो लब्ध चैतन्य है। वैसे तुकाराम महाराज एक लब्ध विट्ठल बने थे, शक्ति प्रदान की थी कि उनके अभंग ऐसे घर घर में गए थे,
और उस टाइम की जो हमारी संस्कृति थी, मतलब उस प्रकार जो कुछ कर्मठ जो हमारे उच्च वर्गीय लोग थे, तो उसने उनको विरोध कर दिया। अभी विरोध सिर्फ ब्राह्मणों ने किया क्या नहीं, कुछ पाटिल लोग भी थे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब भी कोई समस्या आती है ना, तब लोग डायरेक्ट ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन मेरा स्टडी कुछ अलग होता है कि गांव में दलित लोगों को गांव के बाहर लोग रखते थे, वो रखना बहुत गलत है, ना गीता में ऐसा लिखा है। क्योंकि गीता में तो चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुणकर्म विभागशा लिखा है, गुणकर्म से ही ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का विभाजन हुआ है, व्यवस्थापन के लिए, उच्च निचता के लिए नहीं, छूत अछूत के लिए नहीं। और गांव में क्या होता था कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सिर्फ 12 के 12 बलुतेदार ब्राह्मण मराठा है ना, नाभी सांबा सगले शिंपी तेली वाणी सब लोग उनको बाहर रखते थे। लेकिन अन्य सही कुछ लोगों के ऊपर, सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर आजकल अटैक किया जाता है कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। नहीं, पूरा गांव का गांव उनको बाहर रखता था ना, दलित लोगों को। वो तो सिर्फ टारगेट ब्राह्मणों किया जाता है। अभी उस समय क्या हो गया कि ठीक है, वो पाटिल ने कंप्लेंट किया, ब्राह्मण साथ में आ गए, दोनों ने मिलकर बताया कि आपकी रामेश्वर भट्ट करके उधर एक वाघोली के एक पंडित, प्रकांड पंडित रहते थे, उनके पास तो वो सब प्रकरण लेके गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वेदों का सम्मान कैसा होगा, ऐसा होगा तो कोई भी कुछ भी ऐसा लिखेगा तो क्या मतलब है, तो चलिए आप डुबा दीजिए, आप क्या भंगा। और देहू गांव में जहाँ एक माशासा ढोह करके जगह है, वहां तुकाराम जी को वो अभंग डुबाने के लिए लगे। अभी तुकाराम महाराज जी ने अभंग डुबाए, अभंग डुबाने के बाद उनको ऐसा लगा कि आज तक, देखिए आज तक मैंने, मेरे ऊपर जो भी संकट आ गए, जो भी समस्या मेरे जीवन में आ गई, मेरे जीवन में आ गए, मैंने सह लिया, मैंने हंसते हंसते सह लिया, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, मैं कभी इसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं रखा। हे विट्ठल, मैंने कभी आपको इसके लिए ये नहीं बताया कि आपकी वजह से मेरा यह ऐसा क्यों हो गया, मैं भक्ति करने के बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने कभी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया, क्योंकि ये सब समस्या मेरे ऊपर आ रही थी। लेकिन आज मुझे हरिनाम डुबाना पड़ रहा है, ये समस्या बहुत बड़ी है, और ये डायरेक्ट हरिनाम डुबाना मतलब प्रत्यक्ष आपको डुबाने के जैसा है, कैसे मैं सह लूं बताइए, मैं नहीं सह सकता हूं। हाँ, मेरे ऊपर आए हुए दुख में सब सहनूंगा, मेरी बीवी मरने दो, मेरी बच्चा मरने दो, मेरे बाप मरने दो, मेरे माँ मरने दो, मेरा भाई जाने दो, मेरी संपत्ति जाने दो, मेरा घर गिरने दो, ये मैं सहन लूंगा, लेकिन आपको डुबाना कैसे सहन लूं मैं, मुझे नहीं जीना है, मैं भूखा रहूंगा, मैं अपना देह त्याग दूंगा। और तुकाराम महाराज 13 दिन माशा के ढोह के पास बैठे थे, और जब वो उधर बैठे थे माशाचे ढोहाच्या जवळ ते बसलेले होते, तो उस समय क्या हो गया कि 13 दिन के बाद उनके पहले भी उनकी पत्नी ने, उनके बेटे ने, उनको 3 बेटे और 3 बेटियां थी, गंगा भागीरथी काशी, कितने नाम भी अच्छे हैं बच्चों के, नहीं, लड़की 3 गंगा भागीरथी काशी, और लड़के 3 महादेव संताजी और एक कोई तो है, 3 बच्चे लड़के थे। अभी एक्चुअली सब बैठे, पूरा परिवार बैठा है, बीवी बोल रही मैं भी नहीं खाऊंगी, आप नहीं खाओगे, तो बेचारी बहुत अच्छी थी ना, झगड़ती थी लेकिन प्रेम बहुत करती थी, इतना प्रेम कि पता ही नहीं रहता था अपना पति किधर बैठने वाला है। आज आप देखिए, सपोज कोई प्रभु जी काम करता है इन्फोसिस में वगैरह, और ठीक है आजकल तो कैंटीन रहता है या हम अपना टिफिन लेके जाते हैं, और घर नज़दीक है तो बीवी इन्फोसिस में लाके आपको देगी भी, क्योंकि पता है ऑफिस का एड्रेस का है। अभी तुकाराम तो कौन से भी पहाड़ के ऊपर बैठेंगे, उधर भामा भी था, उधर भंडारा भी है, इंद्रायणी भी है, उनका जी चाहे वहाँ बैठते थे, और उसका काम था कि डब्बा भी करना घर में, और पहला ढूंढना उसको किधर बैठे, और बाद में जहाँ बैठे वहाँ बैठा के उनको खिलाना, बाद में बिचारी खाती थी। ऐसा नहीं कि ठीक है ड्यूटी से लेट आएंगे तो पहला खा लेते हैं, ऐसा नहीं था। नहीं, पति परमेश्वर, पति को एकदम भगवान के जैसा सम्मान देती थी, तो ढूंढती थी, इतना प्रेम था उसका उसके ऊपर, तो वो नहीं खाया था, इसने भी नहीं खाया, तो पूरा परिवार बैठा है। तो 13 दिन के बाद विट्ठल भगवान आ गए, बोले तुकाराम, तुकाराम उठो ना, देखो मैं कौन आया हूं। बोले कौन? मैं तुम्हारा विट्ठल। बोले विट्ठल भगवान, आप कैसे आ गए? बोले तुम्हें क्या लगता है, अभी समस्या अलग है,
मेरे से भूखा नहीं होने, मतलब मैं भूखा नहीं रह पाता हूं। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, रुक भूखा नहीं रह पाते मतलब क्या? बोले तुम्हें क्या लगता है कि तू भूखा रहेगा तो मैं क्या 56 भूख का हर रोज आस्वाद लेते बैठूं? जब तू नहीं खाएगा तो मैं थोड़ा खाऊंगा, मेरे भक्त मेरा हृदय है, मेरे प्राण है, इसलिए खा ले बेटा मुझे भूख लगी है। लेकिन मेरे अभंग, अरे ये तो ऐसे मिलेंगे इंद्रायणी, इनके अभंग वापस दे दो। और इंद्रायणी आके तुकाराम महाराज जी को अपने अभंग वापिस देती है। बहुत बड़ा प्रसंग है ये प्रसंग, ना मैं एक लेखक के रूप में आपको, एक ड्रामा के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया। ये प्रसंग के पीछे तुकाराम महाराज जी के कुछ अभंग है, उन्होंने लिखे है। जब मैं तुकाराम का ड्रामा लिख रहा था तब उसमें वो अभंग मुझे मिले। वो थोड़ा अभंग अपन देखेंगे तो आपको सुनने के लिए भी थोड़ा सा आनंद आएगा। वो अभंग उन्होंने क्लियर कट लिखे है कि किस प्रकार जो है मेरे लिए भगवान भी भूखे रहे। बहुत एकदम स्पेसिफिक लिखा है उन्होंने कि थोर अन्याय केला तुझा अंत म्या पाहिला, जनाचिया बोला साठी चित्त शोभविले, भाग विलास केला क्षीण अधम मी यातिहीन, झाकुनी लोचन तेरा दिवस राहिलो। अभी बोल रहा है थोर अन्याय केला, तुम्हारे साथ भगवान इनजस्टिस किया, तुझा अंत म्या पाहिला, एक्सट्रीम लेवल तक मैंने तुमको टेस्ट किया भगवान, जनाची या बोला साठी चित्त शुभ विले, लोगों ने मुझे बोला तो मुझे इतना दुखी होना नहीं चाहिए था, भाग विलासी केलाक्षीन अधम मी यातिहीन, झाकुनी लोचन तेरा दिवस राहिलो। पागल हूं मैं, आंख बंद करके यहां बैठा रहा, अवघे घालूनिया कोडे तहान भूके चे साकड़े, तहान भूख पानी प्यास नहीं, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, छोड़ दिया मैंने सिर्फ आपके लिए, तेरा दिवस तेरा दिन योग क्षेम पुढ़े तुझे करने लागले, मेरा संभाल तो आपको करना लगा, आप भी बिना खाए पीने मुझे संभालते रहे। उदकी राखेले कागद चुकविला जनवाद, तुका मने ब्रिद साय केले आपुले, कि भगवान माफ करना मेरे लिए आपको खड़ा रहना पड़ा, मेरे लिए आप इंतजार किया, कापो कुणी माझी माण सुखे पिड़ो तो दुर्जन, तुझ हो यीन ते करी न सर्वथा, शपथ दे रहे विठ्ठल भगवान को। वो बोल रहे कापो कुणी माझी माण, इसके आगे मेरा मान भी गर्दन भी किसी ने काट लिया ना तो भी, सुखे पिड़ो दुर्जन, दुर्जन ने मुझे कितना भी पीड़ा दिया ना तो भी भगवान, तुझ हो यीन तेन मी करी न सर्वथा, आपको कभी तकलीफ होगा ऐसे कभी मैं करूंगा नहीं। डायरेक्ट भगवान को प्रॉमिस दे दिया ऑन द स्पॉट कि नहीं, कितना भी मुझे भी होने दो, आपके तकलीफ होगा ऐसा कुछ चीज नहीं करूंगा। चुकी झाली एक वेला मज पासुनी चांडाला, मैं चांडाल हूं मुझे माफ करना, एक बार मेरे से गलती हो गई। उभे करुणिया जड़ा माझी वया राखेला, पानी के अंदर आपको खड़ा करके मेरे कागज संभालने के लिए आपको मैंने बोला, मेरे ऊपर मतलब शेम है, बोलते मैं शर्म आती है मुझे, क्या आदमी हूं मैं, चांडल हूं मैं, ऐसे वापस नहीं आपको करूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है उनके हर एक अभंग, हर एक चीजें। अभी कभी कभी प्रेम से वो भगवान को भोदरी बोलते हैं, उनका प्रेम था उनके प्रति, वो बोलते पंडरी से बा भूत मोठे आला गेला झड़पी वाटे, वो बोल रही है भूत है पंडरपुर का जो है ना विठल काला, वो भूत है क्योंकि इन्हें आने जाने वाले लोगों को झड़प लेता है, जैसे भूत झड़प लेता है ना किसी के ऊपर, अपन तो झपाट ले लो, वो झड़प लेते हैं। तेथे जाऊ नका कोणी, वो क्या बोल रहे, अपील कर रहे लोगों को उधर मत जाओ पंडरपुर में, क्यों गेले नहीं आले परतुनी बोल रहे वहां जो गए वो वापिस कभी आते नहीं है, ठीक है। तुका मणे पंडरी सी गेला काही जन्मा परतुनी ना आला, नहीं जन्मा पर तू नहीं आला, तुका महाराज मतलब पंडरी को जाएगा वापिस जलमा आएगा नहीं, वापिस उसके पास ही बैठना पड़ेगा वैकुंठ को। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वो जो इतना प्रेम कलह उनके शब्दों में है, मतलब आप बोलिए कि भगवान के साथ ऐसा झगड़ना, भगवान को भूत बोलना, एक जगह तो भगवान की पूरी निकाल रहे, भगवान को बोल रहे
जेने तुझे झाले रूप आणि नाव पतिते हे दैव तुझे आम्ही, बोल रहे कि तेरा जो नाम है ना, जेने तुझे झाले नाम, तेरा जो नाव, तुझे जे नाव झालंय ना जगामध्ये ते आमच्यामुळे झालंय, कारण आम्ही पतित आहोत म्हणून तू पतित पावन झालास. हम पतित है करके आप पतित पावन हो गए. हम पतित नहीं थे, नहीं रहते थे, तुमको थोड़ा कोई पतित पावन बोलते. और सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे, लॉजिकली बात कर रहे, आगे बता रहे, तुझे नाही नाही तरी तुझे कोण हो पुसते. अरे तुला कोणी विचारलं असतं विठ्ठला, आम्ही नसतो तर पतित पावन म्हणून. निराकारी तेथे एकाएकी, जो निराकारी हो तो ऐसे ब्रह्म ज्योति को देखते हुए बैठते. हम तो पागल है तुमको देखने के लिए आते यहां. तो आगे बोलते, अंधारे ते दीपा आनियले शोभा. अभी दिया का महत्व कब होता है? जब अंधेरा है तब ना. अभी लाइट को कौन पूछता है? जब अंधेरा है तब दिया भी इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइट अंधेरे में ही पता चलता है ना. तो बोलते वैसे ही है, हम पतित करके आप पतित पावन है. हम अंधेरा करके आप दिया है. हम अंधेरा नहीं रहते तो आप थोड़े दिया रहते. आगे बोलते, अंधारे ते दीपा अनियली सी शोभा माणिकासी प्रथा प्रभा कुंदनाची. वो माणिक क्रता है, वो कुंदन में बिठाते हैं, तो उसके बिना कुंदन नहीं तो माणिक क्या दिखेगा अच्छा. धनवंतरी रागे धनवंतरी रोगे अनिला उजेड़ सुखी काय चाड़ा जाने बेड़ा. धनवंतरी को क्या कीमत है, कोई बीमार रोग है नहीं तो. आयुर्वेदा दवाई को क्या कीमत है, कोई बीमारी है नहीं है तो. तो हम बीमार है, आप दवाई है. हम बीमार नहीं होते तो आप दवाई कहां होते. हम कुंदन नहीं होते तो आप माणिक कहां होते. हम अंधेरा नहीं होते तो आप दीप कहां होते. अमृतासी मोल विषाचिया गुणे शीतल तरी सोने ऊंच नीच. झरे नहीं तो अमृत को कौन पूछता है. तुका म्हणे आम्ही असोनिया जाण तुझं देवपण आणि येले. ट्राई टू अंडरस्टैंड विठ्ठल भगवान, हम है करके आप है. मतलब इतना प्रेम भगवान के प्रति उनके हर एक अभंग में, मतलब उनके तो इतने सारे हर एक अभंग में उन्होंने इतना प्रेम भगवान के प्रति व्यक्त किया है. तो हम देखते हैं कि वो एक उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग था. अभी इनका तीसरा अंग और एक महत्वपूर्ण, वो है उनकी पत्नी. जैसे मैंने बताया कि वो एक ऐसी पत्नी थी कि जो उनको ढूंढती थी, ढूंढकर उनको खाना खिलाती थी. और तब तुकाराम महाराज भी उतने जानकार तो थे तो अपने हाथ से उसको कभी कभी खिलाते थे. तो बोलती नहीं नहीं ये आपका उम्र है क्या मुझे खिलाने का. अपने प्रेम से, बहुत प्रेम से खिलाते थे. तो इस प्रकार जो प्रेम का आदान प्रदान जो संबंध है तो वो उनके दोनों के बीच में था. अभी कहा जाता है कि एक बार वो ऐसे ही तुकाराम जी को खाना लेके ढूंढ रही थी और उसके पैर में कांटा चुभ गया. अभी तुकाराम महाराज जी को ये घटना भंडारा डोंगर करके एक जगह है, भंडारा का पहाड़ बोलते हैं, देहू के बाजू में वहां है. तो वहां हुई थी कि उनके पैर में कांटा चुभ गया. तो वो एकदम चिल्लाई और इतना कांटा अंदर घुसा था कि वो बेचारी गिर पड़ी, नीचे पड़ गई. तो तब एक छोटा सा बच्चा भागते भागते आ गया और उसके पैर का कांटा निकाल दिया. पहले बोला कि ये काय झालं ओरडायला. तो बोले कुछ नहीं बेटा, पैर में कांटा चुभ गया, लाओ मैं निकालता हूं. तो बोले तू तो छोटा है, तू कैसा निकालेगा, लाओ मैं निकालता हूं. और बाद में उसके पैर हाथ में लेके वो छोटा बच्चा कांटा निकालता है. तो वो जब कांटा निकालने गए तो चिल्लाने लगी. वो बोलते हाथ लगाने के पहले क्यों चिल्लाती हो, अभी तो हाथ लगाया हूं. तो एकदम कांटा निकालती है. तो बोलता निकल गया. बोलती निकल गया लेकिन मुझे समझा भी नहीं. तो छोटा बच्चा बोलता है, हाँ भगवान के भक्त की सेवा करने वालों के पैर में कांटे चुभते नहीं है, ऐसा नहीं है. कांटे चुभते हैं लेकिन चुभे हुए कांटे समझते नहीं है. है ना, ऐसा नहीं है कि चुभे हुए कांटे समझते नहीं है. तो निकालते हैं. बाद में बोलती बड़ा कितनी गोड़ बोलते उसरे, इतना छोटा छोटा सा है लेकिन इतना मीठा बात करता है. बोलता है चले जातो मी. तो कहाँ जा रहा है बेटा, चल मेरे साथ ऊपर. नहीं नहीं निकलता हूं मैं. तो पूछती आपका नाम क्या है लेकिन.
मेरा नाम मेरा नाम तो है विठ्या, लेकिन कुछ लोग मुझे काल्या भी कहते हैं, क्योंकि वो विठ्ठल को काल्या बोलती थी, है ना। तो कुछ लोग मुझे काल्या भी कहते हैं, क्योंकि हर बार वो बोलती थी, जब भी वो तुकाराम आते थे, अलात का काल्याच्या मंदिरातून, है ना। क्योंकि उसको लगता था कि अरे ये कुछ काम धंधा नहीं करता है, ऐसे अपना भजन कीर्तन करता है, लेकिन तुकाराम महाराज का विश्वास था कि मैं भजन कीर्तन करूंगा तो भी मेरा पेट भरेगा, क्योंकि भगवान ही योगक्षेम वहाम्य हम, भगवान ही भक्तों के पास जो है उसका रक्षण करते हैं, उसको प्रदान भी करते हैं। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज जी के पास वो चली गई और बोली, आओ आपको तुम्हारा मालूम माहिती है आज का झाला कि ऐसा ऐसा मेरे पैर में कटा छुपा और ऐसा हो गया, और वो लड़के ने ऐसा नाम बताया काल्या। तो तुकाराम महाराज रोने लगे, अरे जिसको ढूंढने के लिए मैं इधर घंटों घंटा अभंग लिखता हूँ, भजन गाता हूँ, वो मुझे आज तक मिले नहीं, और तू कौन से, मतलब कौन सी पुण्याई, कौन सा पुण्य तुमने किया है कि तुमको विठ्ठल भगवान मिल गए। तो ऐसे बोला जाता है कि क्योंकि वो एक भगवत भक्त की सेवा करती थी और इसलिए उसको विठ्ठल भगवान का दर्शन हो गया। सो ये हमारा वैष्णव प्रिंसिपल है कि वैष्णव की सेवा करके ही भगवान प्राप्त होंगे। महाराज प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक राजा था, महाराज था, महाराज मतलब रज, राजा के लिए रज गुण लगता है, तो चैतन्य महाप्रभु दूर रहते थे। लेकिन उनको जब चला, पता चला कि यही राजा सार्वभौम भट्टाचार्य को नमस्कार करता है, यही राजा एक ऐसा राजा है कि रामानंद राय जो उनके पास जॉब करते थे, मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो अभी आप देखिए कि आप इन्फोसिस में और नारायण मूर्ति को बोले कि ना कल से मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो बोलेगा ठीक है रिजाइन दिया तो जा तू, लेकिन ऐसा बोलेगा क्या कि तू तो अभी रिजाइन दिया जा दू, क्यों जा रहा है, नहीं मुझे, मैं इधर विशाल नगर के प्रोग्राम में अभी समय देना चाहता हूँ। तो नारायण मूर्ति ये बोलेगा कि बहुत अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारा सैलरी कंटिन्यू रहेगा, तुम करो सेवा, ऐसा बोलेगा क्या, नहीं। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज रामानंद प्रभु का ऐसे बोले कि किधर जा रहा है, कुछ नहीं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने, भगवान भजन करना है, ठीक है नो प्रॉब्लम जाओ, लेकिन तुम्हारा सैलरी चालू रहेगा। तो एक वैष्णव की सेवा की प्रताप रुद्र महाराज ने। बंगाल से कुछ वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे, तो नरेंद्र सरोवर के पास उन्होंने उनके चरण कमल धोए, उनके लिए निवास की व्यवस्था की, उनको भोजन की व्यवस्था की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को मिले ना चाहते हुए भी। इसलिए तुकाराम महाराज जी की पत्नी को दर्शन हुआ, क्योंकि तुकाराम महाराज जी को सेवा करते थे। तो ये प्रिंसिपल हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुकाराम महाराज जी के जीवन से, उनके पत्नी के जीवन से स्पेसिफिकली, कि दास दासानुदास, कि भगवान की दासों की सेवा करके ही हम भगवान के पास से जा सकते हैं। डायरेक्ट भगवान को हम देख नहीं सकते ना मिला सकते हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान हमें दर्शन देते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रथम उनके जीवन में है। उसके रिलेटेड ही अभी हम उनके आखिरी लीला पे आएंगे कि जो उनका वैकुंठ गमन, कि तुकाराम महाराज जब वैकुंठ में गए थे तब कैसे गए थे। सर उनको ये भावना ये आ रही थी कि अभी मुझे भगवान के घर में जाना है, भगवान बुला रहा है। अभी ये जब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ उनके अभंग से, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि लोगों को लगता है, कई सारे यूट्यूब के ऊपर ढूंढो तो पागल लोग ऐसे भी है कि तुकाराम महाराज का खून हुआ था, ब्राह्मणों ने किया था, क्योंकि कुछ हले ऐसे ब्रिगेडी दिमाग के लोग हैं कि जिनको डायरेक्ट मराठा और ब्राह्मण, हिंदू में मराठा ब्राह्मण और दलित ऐसा विभाजन करना चाहते हैं लोग, बहुत गलत है, टूट फूट जाएगा हमारा धर्म ऐसा करने से। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि अलग अलग पक्ष के नाम के ऊपर वोट मिलेंगे। राजकारण ने बहुत गंदगी की है, देश का तोड़ फोड़ डाला है। तो अभी ये अभंग उनके अभंग से ही है, ये जो पूरे जो मैं अभी बातें बताने जा रहा हूँ वो सब उन्होंने लिखा है कि मैं भगवान के धाम गरुड़ के ऊपर बैठ के गया हूँ करके। जाने की जब बात आई थी, कई सारे अभंग उन्होंने लिखा है, स्पेसिफिकली कुछ अभंग इन्होंने गरुड़ जी को लिखा है। वो गरुड़ जी को लिखते हैं कि वेगी अनावा हरी, हरी वेगी अनावा, वेगी मतलब वेग,
स्पीड वेगी आना वह हरि, हरि को जल्दी लेके आइए। अनंत शेष को बोलते तू का भणे शेषा जागे करा ऋषिकेशा, कि आपके ऊपर गद्दी में सोए होंगे तो आप जरा उनको उठाइए, मुझे आना है। चतुष कुमारों को बोलते तुम्ही सनादिका संत मनविता कृपावंत, एवढा करा उपकार सांगा देवा नमस्कार। तुम सनादिक चतुष कुमार हो, मनविता कृपावंत, आप खुद को संत कृपावंत कहते हो, एवढा करा उपकार, एक मेरे लिए छोटा सा उपकार करिए मेरे ऊपर, सांगा देवा नमस्कार। मेरा देवा को भगवान को दंडवत तो बताइए, इतना तो कर सकते है ना। तुकाराम महाराज बोलते त्याची त्याची पथे माझे लागलेसी चित्त, वाट पाहे नित्त माहेराची, तुका म्हणे आता येथील न्यावया अंगे अपुले माय बाप। डायरेक्ट भावना एक्सप्रेस किया है कि तुका म्हणे आता येथील न्यावया अंगे अपुले माय बाप, मेरे माँ पिताजी मुझे लेने के लिए आएंगे। वात्सल्य भाव प्रकट हो गया उनका कि मेरे विठ्ठल रुक्मिणी मुझे लेने के लिए आएंगे। पहल आले हरी शंख चक्र शोभे करी, वो बोल रहे हैं कि उस पैल, पैल मतलब किनारा, किनारे के ऊपर हरि आ गए हैं। गरुड़े तो फटकारे नाभी नाभी मणे त्वरे, उड़ते उड़ते गरुड़ आया है। मुकुट कुंडलाचा दीप्ती मूर्ति डोळस साजिरी, चतुर्भुज वैजयंती गळा माळे हे रुळती, पीतांबर झळके कैसा उजळल्या दाहीशा, तुका झाला से संतुष्ट घरा आले वैकुंठ पीठ। पूरा डिस्क्रिप्शन किया है तो भगवान का, चतुर्भुज वैजयंती चार हाथ है, वैजयंती माला पहनी है, गला माला है रुड़ती, गला में फूल की माला है, तुलसी की माला है, पीतांबर झलके कैसा पीतांबर पहना है, उजड़ला दही दी प्रकाश का ज्योत आ गया है, तुका झाला से संतुष्ट घरे आले वैकुंठ पीठ। घर में वैकुंठ पीठ, विठ्ठल का एक नाम उन्होंने नया नाम दिया, वैकुंठ पीठ, वैकुंठ पीठ विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ तो पता है अपने को, ये वैकुंठ पीठ आ गया मेरे घर में। अभी ये आ गए, इस पर पूरा लिख रहा है कि वाढ़ वेळ झाला उभा पांडुरंग वैकुंठ श्रीरंग बोलवी तो, वाढ़ वेळ झाला बहुत समय हो गया, उभा पांडुरंग, पांडुरंग खड़ा है, वैकुंठ श्रीरंग बोलवी तो, वैकुंठ में आ जाओ तुकाराम, ऐसे श्रीरंग कह रहे हैं। वाढ़ वेळ झाला उभा पांडुरंग वैकुंठ श्रीरंग बोलवी तो, कितना सुंदर लाइन लिखा है। अभी वो अपने पत्नी को बोलते है कि चलो ना अवले, चल जायचा आता। तो घर में रहती, कहां जाना है, भंडारावरती भामावरती का इंद्राणीच्या काठी, अभी उसको तीन ही चीजें पता है, बोलते जाना है तो यही तीन जगह जाके बैठते हो, तो नहीं नहीं आज वैकुंठ में जाना है। तो बोलती है आता हे काय नवीन काढला, अभी ये क्या नया निकाला है। तुकाराम महाराज हसायला लागतात, अगं वैकुंठ ग विठ्ठलाच्या गावाला, आपका तो हर ये नया चौथी जगह निकला, मेरे तो और परेशानी अभी ढूंढने के लिए, तुम्हारा जाए वैकुंठला जा, अंदर चली जाती है घर के अंदर, वापिस आती है नहीं, अंदर चली जाती है। तो तुकाराम महाराज बोलते ऐसे देखते हैं कि वैकुंठ पे नहीं आएगी, तो वापिस आती है, आपको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन रातच्याला जेवायला घरी या। क्या बोलती है, जहां जा, जाना है वो जा, लेकिन शाम को खाने के लिए घर में आना, और अंदर निकल जाती है। तब तुकाराम महाराज बोलते धन्य है भाई तू माझ्या सारख्या माणसाबरोबर संसार केलास, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी, धन्य है भाई। क्या होता है, प्रभु जी लोगों को स्पेसिफिक, हम लोग पत्नियों का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते हैं। जगह के ऊपर थाली मिलती है, कपड़े मिलते धोए हुए, एक पर्सनल सर्वेंट करके घर में एक व्यक्ति रहता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके घर के लिए, उसका इंपॉर्टेंस हमें समझता नहीं है। तुकाराम महाराज जानते थे ये, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स क्वालिटी, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड सपोर्ट ईच अदर, वही तो प्रेम है, वही तो संबंध है। भक्ति मतलब ड्राई थोड़ा है कि घर में कैसा भी रहे और यहां सोला माला करे, नहीं, सबके साथ हमारे संबंध कितना, हमारा व्यवहार से वो प्रस्तुत होना चाहिए कि हम किस लेवल के भक्त हैं। हम भक्तों के साथ हमारा व्यवहार, हमारे पत्नी के साथ व्यवहार, कई बार लोग मरते, एकाधा व्यक्ति मरने के बाद हमको पता चलता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं, जीवित रहते समय हमारे संबंध अच्छा रखना है,
क्योंकि आज हम जैसे रहेंगे वैसे ही मरने के बाद रहेंगे। आज हम प्रेम पूर्वक नहीं रहेंगे तो थोड़ा हम भगवान के धाम जाएंगे। आज हम जैसे रहते हैं वैसे ही मरने के बाद करना है ना, आज जो करते हैं वही मरने के बाद करना है। आज भजन कीर्तन करेंगे, प्रेम से रहेंगे तो वैकुंठ धाम में वही है, उनको ही प्रवेश है, वहां पात्रता है वहां। तो इस प्रकार बोलते, धन्य है भाई माझ्या सारख्या माणसा बरोबर संसार मांडला। और बाद में वो निकल आते हैं जहां से वैकुंठ गमन करके जगह है देहू में, वहां आते हैं, वहां पूरे गांव इकट्ठा उनके पीछे पीछे आया है, भजन कीर्तन चल रहा है। अमी जातो अमुचा गावा अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा अमुचा राम राम घ्यावा। तुकाराम महाराज, अमी जातो अमुचा गावा, हम जा रहे हैं हमारे गांव, बाय बाय टाटा। अमुचा राम राम घ्यावा, पहले लोग राम राम बोलते थे है ना, आता इथुन या कायत्री सुंदर अभंग है हो, तो वो बोलते कि अभी यहां से है निज धाम में जाता कोणी मना विठल विठल मुखी। कोई निज धाम में जाता है, भगवान के धाम कोई जाता है तब क्या बोलो आप, आता कृपो असो द्यावी तुमचा लागत असो पाया, केवड़ी विनम्रता। अभी भगवान के धाम जाते समय कोई बोलेगा क्या ऐसा कि आता कृपो असो द्यावी तुमचा लागत असे पाया? लोग बोलेंगे आता काप आता पड़ा पाया माझा है ना, कि आम्ही चाललो भगवंत, आपण तो ऐसे ही बोलेंगे। तो नी बोलते आता कृपा असो द्यावी तुमचा लागत असो पाया, धन्यवाद आपने मुझे संग देने के लिए, मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। और तुकाराम महाराज गरुड़ के ऊपर बैठे, अभी गरुड़ के ऊपर बैठकर तुकाराम महाराज, वो भी बहुत सुंदर आदान प्रदान है, कई सारे ऐसे अभंग है जिसमें और डिस्क्रिप्शन करते हो, लेकिन चले जाने के बाद सवाल आता है कि क्या प्रूफ है, ठीक है यहां तक ठीक है, लेकिन रामेश्वर भट्ट जी ने अभंग लिखा है, जिन्होंने अभंग डुबाने के लिए बोला था, बाद में वो उनके शिष्य बन गए, अच्छी बात भी है। उनके जो भी 16 शायद उनके जो शिष्य थे उसमें 10 शिष्य ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने उनको तकलीफ दी, ये बात कोई बताता नहीं है लोगों को कि इनको समाज में दूरी निर्माण करना है उनको। 16 में से तो 10 ब्राह्मण थे, वो रामेश्वर भट्ट भी भक्त थे। रामेश्वर भट्ट लिख रहे मागे कविश्वर झाले थोर थोर नेने कलिवर कोने सांगा, कई सारे कवि होके गए इस दुनिया में, इस विश्व में सनातन काल से कई सारे कवि होके गए। नेने कलेवर, कलेवर मतलब शरीर, नेने कलिवर कोने सांगा, शरीर के साथ कौन गया है बताइए मुझे, रामेश्वर भट्ट बता रहे। मणे रामेश्वर सकड़ा फुसोनी गेला तो विमानी बसोनिया, रामेश्वर भट्ट ने लिखा है मणे रामेश्वर सकड़ा पुसोनी, पुसोनी मतलब विचारने, सबको आता लागत असे पाया आता कृपा असू द्यावी, सबसे बात करके। मणे रामेश्वर सकड़ा पुसोनी गेला तो विमानी बसोनी, माझ्या समोर विमानात बसून निघून गेला। त्यांचा निळोबा नावाचे तुकाराम महाराजांचे भक्त होते, एक संत निळोबा करके, वो भी ब्राह्मण समाज के थे, अहमदनगर के पास एक गांव है शायद पारनेर के पास वगैरह, वो उनका गांव था, उनके शिष्य थे। उन्होंने लिखा मानव देह घेऊनी निज धामा गेले, आपला गुरु विषयी लिखा है उन्होंने, हमारे गुरु के लिए लिखा है कि मानव देह घेऊनी कुठे गेले निज धामा गेले। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज जी का जो ये प्रेम गीत, मुझे 7:45 का टाइम दिया था, मैंने 8 मिनट ज्यादा लिया है। तो इस प्रकार एक सुंदर अभंग की गाथा हमें रखते हुए तुकाराम महाराज यहां से निज धाम चले गए। तो हम ये सकते हैं ये भक्ति के लिए हमारे लिए प्रेरणा है शिवाजी तुकाराम महाराज, एक आदर्श जीवन बिताकर हमारे लिए भक्ति का स्रोत रखते हुए, एक प्रेरणा रखते हुए तुकाराम महाराज जी वापिस चले गए। बस सुंदर अभंग उन्होंने लिखा है, मैं भी एक कविता करने की उनके ऊपर चेष्टा की तुकाराम महाराज के ऊपर। तो कविता गाने के बाद मैंने एक्चुअली 2 कविता गाने का प्लान किया था, लेकिन समय अलाउड नहीं कर रहा है तो मैं तो एक जो कविता है वो मैंने परसों ही लिखी थी, जिसमें नॉर्मली सुबह भगवान की पूजा करते समय एकदा निकल आता है मुंह से, तो ऐसे लिखी थी, तुझा स्मरणात कृष्णा
मी असे दंग भावे तुझा स्मरणात कृष्णा, मी असे दंग भावे जसे भीमेच्या पाण्यात वार करी अंग अंग नाती, तुझ्या स्मरणात कृष्णा मी असे दंग भावे जसे गीतेच्या पानात पार्थ तुझा संग घेती, तुझ्या स्मरणात कृष्णा मी असे दंग भावे जसे देहूच्या अंगणात तुकोबा अभंग गाती, तुझ्या स्मरणात कृष्णा मी असे दंग भावे जसे वारीच्या रिंगणात भजन कीर्तनी रंग येतो, तुझ्या स्मरणात कृष्णा मी असे दंग भावे. असं ते जय श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटी वैष्णव की. अरे ठीक है. एक्चुअली दूसरे कविता को मैंने थोड़ा म्यूजिक देने का भी प्रयास किया है, ये पता नहीं इसके ऊपर कैसा आएगा, लेकिन उनका जब मैंने अभंग पढ़ा था तुकाराम महाराज जी का, वो बहुत सबसे फेमस अभंग है, सब मराठी लोगों को पता रहता है. उनका एक बहुत सुंदर अभंग है जिसमें उन्होंने विट्ठल जी का सुंदर डिस्क्रिप्शन किया है. कौन सा अभंग है वो? सुंदरते ध्यान है ना, उभे बिठेवरी करकटावरी ठेवनिया, है कि नहीं? बहुत सुंदर अभंग लिखा है. मकर कुंडल तलपती श्रवणी, है कि नहीं? कौस्तुभ, बहुत सुंदर एकदम डिटेल. और मैंने देखा कि वो स्तुति जो ध्रुव महाराज ने भागवतम में भगवान की है, वही एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है. वो पीताम्बर पहने हैं, कुंडल में काने पहने हैं, वो सब ध्रुव महाराज की स्तुति उन्होंने मराठी में लाई है. सुंदरते ध्यान उभे बिठेवरी करकटावरी ठेवनिया. तो मुझे लगा कि चलो इसी धरती के ऊपर अपन भी भगवान के लिए एक डिस्क्रिप्शन करते हैं. तो कविता मैंने ऐसी लिखी थी, उसको एक्चुअली मैंने म्यूजिक भी लगाया है, पता नहीं मुझे इसमें आएगा क्या नहीं, मैं कोशिश करता हूं. आवाज आ रहा है? अरे सांग तो कृष्णा तुम्ही सुंदर दिसता, अरे सांग तो कृष्णा तुम्ही सुंदर हसता, तुम्ही सुंदर दिसता, तुम्ही सुंदर हसता. पीतांबर ने सुनी तुम्ही मोर मुकुट घालता, कौस्तुभ मणी गळा शोभतो कानी कुंडल डोलता, कानी कुंडल डोलता, तुम्ही सुंदर दिसता, तुम्ही सुंदर हसता. अरे सांग तो कृष्णा तुम्ही सुंदर दिसता, अरे सांग तो कृष्णा तुम्ही सुंदर हसता. तुळशी माळा गळा घालुनी हाती वेणू धरिता, त्रिभंग ललिता उभे राहुनी मयुरा समडोलता, तुम्ही मयुरा समडोलता, तुम्ही सुंदर दिसता, तुम्ही सुंदर हसता. खरे सांगतो कृष्णा तुम्ही सुंदर दिसता,
अरे सांग तो कृष्णा तुम्ही सुंदर हसता चंदन उठी भाळी लावुनी वक्षस्थळी श्री वत्स मिरविता अस्य वदननी तव चरण तुम्ही कमला समभासता तुम्ही कमला समभासता कंदर दिसता तुम्ही सुंदर हसता खरे सांगतो कृष्णा तुम्ही सुंदर दिसता खरे सांगतो कृष्णा तुम्ही सुंदर हसता तुझे मुख पाहता मणि सुख लाभते जीवा भाव तो आनंद तुझे रूप पाहता तुझे रूप पाहता तुम्ही सुंदर दिसता तुम्ही सुंदर हसता खरे दिसता तुम्ही सुंदर हसता सुंदर दिसता तुम्ही सुंदर हसता जय श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस गए श्वेत दीप प्रभु की जय हरि ओम। प्रभु जी का इतना सुंदर भक्ति है इतना सुंदर केवल मेहनत नहीं करते भाव के साथ मेहनत करते हैं प्रभु जी है ना तो बहुत बहुत सारी सेवाएं करते हैं प्रभु जी और उसके साथ ही अपना स्वयं का साधना अपनी स्वयं की भक्ति दूसरों को प्रेरणा देना इतनी सुंदर कविताएं लिखना भगवान के लिए तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं कि सुबह सुबह इतने दूर से यू नो NVCC से वहाँ से यहाँ से प्रभु स्वयं आए हमारे यहाँ हमें संग देने के लिए तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 प्रभु जी की बहुत इच्छा भी है कि विशाल नगर में एक अच्छा मंदिर बने और वो प्रभु जी अपने तरफ से भी बहुत प्रयास कर रहे हैं उसके लिए तो हम प्रभु जी को उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण For the pleasure of their lordship, Shri Shri Nitai Gaurachandra and Srila Prabhupada, our last week book distribution scores were as follows. Balewali Monthly Sankirtan Festival, 9 Maha Big Books, 2 Small Big Books. Pimple Sadagar, 11 Maha Big Books and 5 Small Books. Gitanjali Mataji distributed 27 Chaitanya Charitamrita sets. Pimple Gurav, 9 Maha Big Books, 25 Small Books. Anuj Prabhuji, 3 Maha Big Books. Sharad Prabhuji, 35 Maha Big Books. And Jay Prabhu, 5 Maha Big Books. Total of 67 Maha Big Books, 32 Small Books, and 27 Chaitanya Charitamrita sets. Donation received for Chaitanya Charitamrita set is Rakesh Agarwal Prabhuji, 1,500 rupees. And His Grace Amal Bhakti Rani Mat. Amal Bhakti Rani Prabhu Mataji, rupees 600 and Pimple Saudagar, 635 rupees. Can we loudly chant Hari Bol, please? Hari Bol! And Sunday feast is, morning Sunday feast is sponsored by following devotees. जय योगेश्वर हरि प्रभु जी एंड मोक्षदा माता जी जिन्हें हम प्यार से इंगले प्रभु जी और माता जी भी कहते हैं वह 27 मार्च को अपने शादी की 46वीं वर्षगांठ मना रहे हैं विच इज टुडे नीलम
नीलम दलवाड़ी माता जी अपने पति दीपक दलवाड़ी प्रभु जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि 30 मार्च को है, अपने बेटे परिन के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि आज 27 मार्च को है, नीलम दलवाड़ी माता जी सभी वैष्णव से अपने पुत्र नंदीश के लिए आशीर्वाद की कामना करती है। भावेश देवाश्री प्रभु जी अपने दोनों पुत्र वेदांत और शाश्वत के लिए सभी वैष्णव से उनके आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। मनीष ठक्कर प्रभु जी उनके जन्मदिन के अवसर पर, जो कि कल 28 मार्च को है, उनके लिए सभी वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीर्वाद दें। संगीता काकड़े माता जी अपने स्वर्गीय पति बाला साहेब काकड़े की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर, जो कि 17 फरवरी को थी। आइए हम सभी मिलकर इन सभी वैष्णव की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नए भक्त कृपया ध्यान दे, इस्कॉन विशाल नगर मंदिर आपका स्वागत करता है। आप सभी की जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि मंदिर का ये रविवार प्रोग्राम सुबह 4:30 बजे से शुरू होता है। सुबह 4:30 बजे से पौने 7 बजे तक हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम पर कथा होती है, और उसके बाद मंगल आरती, तुलसी आरती, और उसके बाद गुरु पूजा होती है, और यह प्रोग्राम के पश्चात मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का आयोजन नीचे होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप हर रविवार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लाभ उठाएं। आज जो भक्त पहली बार इस मंदिर में आए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समोर कैन वी लाउडली चैंट हरि बोल फॉर देम प्लीज। यहाँ पे आसपास के लोकेलिटीज के अंदर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी DYS प्रोग्राम हो रहा है, अगर आप चाहे तो उन प्रोग्राम में अटैच हो सकते हैं। प्रोग्राम के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कैन वी लाउडली चंट अगेन बाय हरे कृष्ण मंत्र प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, आप कृपया बैठ जाइए। और प्रोग्राम के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस है, जिन्हें लास्ट वीक नहीं मिला था, तो अगर आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी है और आप लास्ट वीक नहीं थे, तो कृपया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइजेस के लिए वेट करिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।